अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि अब एक लश्कर तैबा का बड़ा आतंकवादी कई हथियारों के साथ पकड़ा गया, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ये आतंकवादी सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल का चीफ अध्यक्ष था। है ना थोड़ी सी अजीब खबर? जी हाँ, देख लेना पूरी, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और ज़्यादा बड़ी खबर है इसलिए छुपा भी नहीं सकता। तो दिखाएगा तो वैसा नहीं बोलेगा जैसा बोलने का हक है, क्योंकि लश्करे तैबा का बड़ा आतंकवादी, बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया और वो बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष था। जी हाँ, अब आप देखें कि आखिर आतंकवादियों के तार बीजेपी से क्यों मिल रहे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है जिस पर खुद बीजेपी को भी गौर करना चाहिए। अच्छा, अब बीजेपी जब ये अपना अध्यक्ष निकला आतंकवादी तो क्या कह रही है, आप उनकी बातें सुनेंगे बीजेपी की तो आपको वो भी हंसी आएगी। लेकिन चलिए आइए, अभी आपको याद होगा कि उदयपुर में एक हिंदू भाई टेलर दर्जी कन्हैया लाल का जिसने मर्डर किया रियाज मोहम्मद, वो आतंकी भी बीजेपी का करीबी निकला। ऐसी ही खबरें जहांगीरपुरी से भी आ रही थी, अब ऐसी ही खबर कश्मीर से भी आ गई कि लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकवादी जो कई हथियारों बम बारूद और गोलों के साथ पकड़ा गया है, ये आतंकवादी सादा मेंबर नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, चटाइयां या कुर्सियां उठाने वाला नहीं था, बल्कि इतना करीबी जनाब के आईटी सेल का चीफ अध्यक्ष और साथ ही मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी बकायदा फोटो है। जैसे रियाज मोहम्मद का फोटो, कन्हैया लाल के कातिल का फोटो, जी हाँ उदयपुर के कातिल का फोटो किन किन के साथ मिला, तब ये साहब जो है बड़े आतंकवादी, इनका भी फोटो अमित शाह के साथ मिला है, बीजेपी के कार्यक्रम में, बीजेपी के प्रोग्राम में मिला है। और एक खास बात आपको बता दूं कि लश्कर ए तैयबा का ये आतंकवादी तालिब हुसैन और इसके साथ और दो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, गांव के मकामी, गांव के टक्सन, गांव में ये वाकया पेश आया और गांव वालों ने इतने हथियारों के साथ इन आतंकवादियों को पकड़ा और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जी हां, बड़ी तादाद में असलाह इनके पास था, तो अब इतना बड़ा काम गांव वालों ने किया, तो अब आप इसमें इस जुमले में आप ये भी समझिए कि कश्मीर के गांव वाले भी जो है आतंकवादियों के खिलाफ है, वो आतंक नहीं चाहते हैं, मगर बार बार कश्मीर और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती है। जी हाँ, आपको याद है कि सिर्फ पंडित भाई या ब्राह्मण भाई नहीं मरे थे, और भी लोग मरे थे, मगर कश्मीर फाइल के जरिए से नीच और घटिया हरकत की गई और इस घटिया फिल्म का प्रमोशन किसने किया, कौन लोग इसके पर्चे लगा रहे थे,
इश्तिहार लगा रहे थे, ऐड कर रहे थे, वो भी आपके सामने। तो बार बार कश्मीर और कश्मीरियों को बदनाम करने की बात की जाती, जबकि यहाँ पर गांव वालों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, हथियारों के साथ लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को पकड़ा, पुलिस को सौंपा और इतना बड़ा काम किया कि वहाँ के गवर्नर ने बाकायदा गाँव वालों की हिम्मत को सलाम किया और नकद इनाम देने का ऐलान भी किया, 5-5 लाख देने का इनाम भी किया, पता चल रहा है। लेकिन चलिए आइए, मसला इनाम का नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पकड़े जा रहे हैं उनका ताल्लुक बीजेपी से मिल रहा है? जी हाँ, अब जैसे ही बीजेपी का मामला आ गया तब क्या किया जाए? तो बीजेपी ने जो बातें कही है वो बातें सुनकर आप भी हंसेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बीजेपी की इन बातों में कितना दम है। अब बीजेपी का ये कहना है कि ये जो ऑनलाइन जो लोग मेंबर बने थे ना, जैसे बीच में दूसरी पार्टियों की बन रहे थे, कांग्रेस की भी बन रहे थे, तो कहा कि ये जो ऑनलाइन मेंबर बन रहे थे तो उसमें ये मेंबर बन गया होगा। लेकिन पूरा मुल्क गोबर भक्त थोड़ी है, पूरा मुल्क अंधभक्त थोड़ी है। अब मुल्क के लोग ये कह रहे हैं, मुल्क के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑनलाइन चलिए मेंबर बन गया, लेकिन अंदर घुसकर एक बड़े पद पर वो आ रहा है, अमित शाह के साथ में फोटो आ रही है और पीछे बिल्कुल कुर्सी से लगकर खड़ा हुआ है तालिब हुसैन, जी हाँ, और बीजेपी के पद पर बड़े पद पर है। 9 मई को उसको चीफ बनाया गया, आईटी सेल का इंचार्ज बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया 9 मई से लेकर अब जुलाई शुरू हो गया 2.5 महीने में। तो क्या इतना बड़ा पद बीजेपी दे रही है, वो भी एक मुसलमान को, आईटी सेल का? आईटी सेल क्या है आपको मालूम है? किस तरीके से गंदगी पूरे मुल्क में फैलाता है, किस तरीके से नफरतें फैलाता है, किस तरीके से बीजेपी के पोल खोलने वालों पर कमेंट करता है, उनको तकलीफ देता है, गंदगी करके उनको बदनाम करता है, सब मालूम है। तो बीजेपी का आईटी सेल, जो बड़ा कीमती डिपार्टमेंट है बीजेपी का, उसका इंचार्ज ये बन रहा है, चीफ ये बन रहा है, और क्या इसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया होगा? क्या इसकी जांच नहीं की गई होगी? क्या इसके डॉक्यूमेंट और ये क्या है ये पता नहीं किया गया होगा? अच्छा चलिए, 2.5 महीने से ये चीफ है, लेकिन चीफ ऐसे थोड़ी बन जाता है, अध्यक्ष आदमी ऐसे थोड़ी बन जाता है, पहले से बकायदा वो सदस्य रहा होगा, कार्य करता रहा होगा, बिल्कुल कई महीनों से सालों से काम कर रहा होगा। तो क्या बीजेपी इतनी भोली भाली पार्टी है कि बड़े बड़े आतंकवादी जिनके पास में AK-47 है, बम है, बारूद है, लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है, तो जनाब क्या बीजेपी इतनी भोली भाली पार्टी है कि वो आतंकवादियों को अपने साथ में रख रही है और पहचान नहीं पा रही है? जी हाँ, जबकि हमारे नरेंद्र जी मोदी ने तो लोगों को भी कहा था कि कपड़ों से पहचान लो, कपड़ों से पहचान लेते हमारे मोदी जी। तो हाव भाव ये सब देखकर कश्मीर का मुसलमान है, कश्मीर का मुसलमान है, जो भी है मुसलमान है, और इतने बड़े पद पर बीजेपी बैठा रही है, तो क्या वेरिफिकेशन जरा भी नहीं किया होगा? तो ये बात में कितना दम है बीजेपी के, सबको लग रहा है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की गोदी मीडिया इस पर नहीं चिल्लाएंगी, और बहुत बड़ी खबर है, हाईलाइट हो गई है, इसलिए हमारी गोदी मीडिया छुपा भी नहीं सकती है, मगर उसके दिखाने का अंदाज भी थोड़ा सा बड़ा नरम होगा। वो जो चीखने चिल्लाने और भौंकने वाला जो तरीका होता है वो तरीका बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब मुल्क के हिंदुओं को भी सोचना चाहिए और पूरे मुल्क के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों का ताल्लुक बीजेपी से क्यों निकल रहा है? तो आखिर गेम क्या है? उदयपुर में कन्हैया का कातिल बीजेपी का निकल रहा है, बीजेपी के करीबी लोगों के साथ में उसकी उठक बैठक, प्रोग्राम में हाजिरी, सब कुछ निकल रही है। अभी लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी बीजेपी आईटी सेल का चीफ इंचार्ज अध्यक्ष निकल रहा है। तो अब पूरे मुल्क को सोचना होगा कि आखिर कौन सा गेम मुल्क के साथ में खेला जा रहा है। लेकिन चलिए आइए, लोग ऐसा तो सोच भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे, हर पार्टी से कहेंगे कि भैया अपने अपने तमाम सदस्यों की पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, ताकि बीजेपी की तरह कोई लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी आपकी पार्टी में ना हो जाए। तो तमाम पार्टियों से मैं कहूँगा कि मुल्क को बचाना है, आपकी पार्टी मुल्क की सेवक पार्टी है। हाँ, और बीजेपी को तो ज़्यादा इसकी सोचनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी से बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है। अभी इन 7 सालों में बीजेपी से बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है, और बीजेपी के खिलाफ
बीजेपी की घटिया नीतियों के खिलाफ कोई बोले तो वो आतंकवादी है। तो इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी में इतना बड़ा लश्कर तैयबा का दहशत गर्द आईटी सेल का चीफ बन रहा है, तो या तो बीजेपी का इसे क्या कहेंगे, खैर मैं कहूँगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। आप ही सोचिए कि आखिर मुल्क को किस दिशा में ले जाया जा रहा है और क्या चल रहा है मुल्क में। लश्कर तैयबा का दहशत गर्द बीजेपी के आईटी सेल का चीफ निकला है, तो अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कश्मीर में हमारे जो ब्राह्मण भाइयों का, पंडित भाइयों का जो मर्डर और कत्ल हो रहा है, कई ऐसे लोग तो नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर तो नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए बीजेपी को चाहिए कि बीजेपी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बीजेपी को अपने हर कार्यकर्ता का बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन लेना चाहिए। बल्कि पार्टी राष्ट्रवादी बड़ी पार्टी है तो फिर बीजेपी में अगर किसी पर थोड़ा सा भी केस होगा और पुलिस रिकॉर्ड में अगर उसको फाल्टी बताया गया होगा, क्रिमिनल बताया गया होगा, तो बीजेपी ने ऐसे तमाम लोगों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी में पुलिस केस वाले लोग भी नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि अभी जितनों पर बड़े बड़े केस हैं वो बीजेपी के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को मैं बीजेपी का बहुत ही चाहने वाला हूं। बीजेपी इस वक्त दुनिया भर की सबसे नंबर वन की राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए मैं बीजेपी से कहूँगा कि अपने तमाम लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और जो भी क्रिमिनल आदमी है जिस पर थोड़ा बहुत भी केस नज़र आता है तो बीजेपी में से उसको निकाल कर फेंके, ताकि बीजेपी ओरिजिनल राष्ट्रवादी पार्टी दिखाई दे।